मुख्यमंत्री के शब्दों में जो उन्होंने बाण एक सीने में घोंपने का काम किया है, इस तरह के शब्दों का उपयोग उन्होंने किया है जो तथाकथित कहीं से भी एक सभ्य आदमी को इस्तेमाल करने की चीज नहीं है। मेंटली डिरेल हो चुके हैं, उनका मानसिक संतुलन सही नहीं है। कोई भी एक मानसिक संतुलन सही होने वाला व्यक्ति इस तरह की बात कभी सदन में बोल ही नहीं सकता है। ये वही बीजेपी MLC निवेदिता सिंह है जो बिहार विधानसभा के अंदर CM नीतीश कुमार के बयान से इतना आहत हुई थी कि न सिर्फ विधानसभा से बाहर निकल आई थी बल्कि मीडिया के कैमरों के सामने फूट फूट कर रोने भी लगी थी। आइए आपको दिखाते हैं पहले कि वो मीडिया के सामने किस तरह से रो रही थी। आंसू क्यों है? आप सभी देख रहे हैं, सभी लोग लाइव चलता है, तो दोनों सदन लाइव चलता है। तो देखा आपने, निवेदिता सिंह ने फूट फूट कर न सिर्फ रोया था बल्कि नीतीश कुमार पर गंभीर आरोप भी लगाए थे। तो इसी बीच निवेदिता सिंह ने एक बार फिर बिहार के CM नीतीश कुमार पर निशाना साधा है, बल्कि उन्होंने यहां तक बोल डाला है कि नीतीश कुमार की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि मुख्यमंत्री ने ऐसा बयान दिया है कि सभी शर्मसार हो गए। उनके इस बयान से बिहार ही नहीं देश भर की महिलाएं शर्मसार हुई हैं। संगत में नंद बैठी के संगत में मुख्यमंत्री आज पड़े हैं, उसी का असर मुख्यमंत्री के दिमाग पर पड़ता हुआ जा रहा है। और मुख्यमंत्री एक इंजीनियर थे और जब तक वो भाजपा में थे और भाजपा के साथ थे, कभी उन्होंने असंसदीय भाषा का प्रयोग नहीं किया था। लेकिन जिस तरह से उन्होंने कल पूरे विधानसभा और विधान परिषद की मर्यादा को तार तार कर रख दिया है, ऐसा काला दिन अब राजनीति के इतिहास में मुख्यमंत्री के जीवन काल में नहीं आने वाला है। इसके साथ साथ निवेदिता सिंह ने कहा कि CM नीतीश कुमार के सूर्यास्त का समय हो चुका है और वो मेंटली डिरेल हो चुके हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के सूर्यास्त का समय हो चुका है, वो मेंटली डिरेल हो चुके हैं, उनका मानसिक संतुलन सही नहीं है। कोई भी एक मानसिक संतुलन सही होने वाला व्यक्ति इस तरह की बात कभी सदन में बोल ही नहीं सकता है। तो ये स्वयं से अपना इन्होंने परिचय दे दिया कि उन्होंने अब दिवालिया, वो मानसिक रूप से दिवालिया घोषित हो चुके हैं और बिहार की जनता को अब उन पर भरोसा नहीं रह गया है। इसके अलावा निवेदिता सिंह ने तेजस्वी यादव यानी कि बिहार के डिप्टी CM पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव को अब ये चिंता सता रही है कि कैसे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पागल घोषित किया जाए और पागल खाने भेजा जाए और मुझे कैसे सत्ता मिल जाए। इसी की तैयारी में अब तेजस्वी यादव लगे हुए हैं। जिस तरह से तेजस्वी यादव जी की मां और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी जी ने कहा कि मुख्यमंत्री जी गलती से बोल गए हैं, स्लिप कर गया, स्लिप ऑफ टंग है, तो स्लिप ऑफ टंग और गलती से बोलना एक बार होता है, बार बार नहीं होता है। और तेजस्वी यादव जो आज उनका समर्थन कर रहे हैं, तो आपके चैनल से माध्यम से मैं बताना चाहती हूँ कि तेजस्वी यादव को बस अब इतनी ही चिंता सता रही है कि कैसे मुख्यमंत्री पागल घोषित हो जाए और पागल खाने जाए और उसके बाद मुझे कैसे ये सत्ता मिल जाए, इसी की तैयारी में तेजस्वी यादव लगे हुए हैं। आपको बता दें, इससे पहले निवेदिता सिंह ने रोते रोते कहा था कि मुख्यमंत्री ने महिलाओं का अपमान किया है। चलिए अब आपको अपमान करने वाला भी वो बयान सुना देते हैं निवेदिता सिंह का, जिसमें उन्होंने रोते रोते नीतीश कुमार पर निशाना साधा था। इस तरह के शब्दों का उपयोग उन्होंने किया है जो तथाकथित कहीं से भी एक सभ्य आदमी को इस्तेमाल करने की चीज नहीं है। उस शब्द को हम लोगों ने जब विधानसभा की क्लिप देखी तो उसको मुंह से हम लोग दोहरा नहीं सकते थे, बट वी कांट एक्सपेक्ट दैट कि वहां का रिपीट फिर यहां हाउस में करेंगे, ये हम लोगों की सोच नहीं थी कि वो यहां भी यही बात को बोलेंगे। निवेदिता सिंह ने साफ साफ कर दिया है कि बिहार की जनता नीतीश कुमार को माफ नहीं करेगी और मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।